बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 पावर x प्लस x इज़ इक्वल टू 85। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ लिख देंगे 3 पावर x प्लस x इज़ इक्वल टू 85। सबसे पहले क्या करेंगे, ये x नहीं, इनको इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 3 पावर x इज़ इक्वल टू 85 माइनस x। फिर क्या करेंगे, इनको यहाँ लिख देंगे 85 माइनस x इज़ इक्वल टू 3 पावर x। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को डिवाइड करेंगे 3 पावर x पर, इनको भी 3 पावर x पर डिवाइड करेंगे और इनको भी 3 पावर x पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जबकि इनको ऊपर ले जाएंगे तो इनका पावर माइनस हो जाएगा। इनको अपनी जगह लिख देंगे, यहाँ जाएगा 3 पावर माइनस x इज़ इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ लिख देंगे, किसको लिख देंगे, 3 पावर 85 को, इधर भी लिख देंगे 3 पावर 85 और इधर भी लिख देंगे 3 पावर 85। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों का बेस सेम है तो एक बेस लिख देंगे और इनके पावर को ऐड करेंगे, यानी एक 3 को लिख देंगे और पावर में लिख देंगे 85 माइनस x इज़ इक्वल टू, इनसे आ जाएगा 3 पावर 85। फिर क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है कि e पावर ln a वो बराबर होता है a के। इसी तरह अगर ये 3 ले ले, e पावर ln 3 वो बराबर होता है 3 के, तो इनको ले लेंगे, इनको अपनी जगह लिख देंगे 85 माइनस x। यहाँ आ जाएगा e पावर ln 3 होल पावर 85 माइनस x इज़ इक्वल टू 3 पावर 85। फिर क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है, वो क्या है, a पावर m होल पावर n और बराबर होता है a पावर m n के, तो इनको और इनको इस तरह करेंगे, यहाँ इनको अपनी जगह लिख देंगे 85 माइनस x, यहाँ लिख देंगे e पावर ln 3 85 माइनस x इज़ इक्वल टू 3 पावर 85। फिर क्या करेंगे, इनको इधर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 85 माइनस x, यहाँ 85 माइनस x, इनके साथ यहाँ लिख देंगे पावर में ln 3 इज़ इक्वल टू 3 पावर 85। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ लिख देंगे ln 3 को, इधर भी ln 3 लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे ln 3। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ w फंक्शन लिख देंगे, w इधर भी लिख देंगे इधर भी लिख देंगे w, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं w फंक्शन के मुताबिक के w फंक्शन
हमारे पास क्या है, उसके मुताबिक के इधर ए ई की पावर ए वो बराबर होता है किसके, ए के, यानी इधर जो वीडियो होगी इधर होगी सेम होगी तो उधर एक वीडियो इनमें से आएगा। तो इधर देख ये दोनों सेम है और पावर में भी ये दोनों सेम है ई पावर, तो इनसे आ जाएगा इस फंक्शन के मुताबिक 85 माइनस एक्स एल एन 3 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल एन 3 पावर में 85 को लिख देंगे 84 प्लस 81, इनको लिख देंगे 4 प्लस 81। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको अपनी जगह लिख देंगे 85 माइनस एक्स एल एन 3 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल एन 3, इनको लिख देंगे 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 81। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 85 माइनस एक्स इज इक्वल टू एल एन 3 डब्ल्यू, इनको लिख देंगे 3 पावर 4 को यहाँ लिख देंगे, इनसे क्या था 81 एल एन 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 81। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हमें रूल का पता है कि ई पावर एल एन ए वो बराबर होता है किसके, ए के, इसी तरह ई पावर एल एन 3 वो बराबर होता है किसके, 3 के, तो इनको भी इस तरह करेंगे तो यह आ जाएगा 85 माइनस एक्स एल एन 3 इज इक्वल टू डब्ल्यू ब्रैकेट में 81 एल एन 3, इनको लिख देंगे ई पावर एल एन 3 होल पावर 81। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको अपनी जगह लिख देंगे 85 माइनस एक्स एल एन 3 इज इक्वल टू डब्ल्यू 81 एल एन 3, यहाँ आ जाएगा रूल के मुताबिक, यहाँ आ जाएगा 81 एल एन 3। फिर क्या करेंगे, हमें डब्ल्यू फंक्शन का पता है कि वो क्या है, कि डब्ल्यू ब्रैकेट में ए ई पावर ए वो बराबर होता है ए के, यानी इधर जो वीडियो होगी अगर इधर वो वीडियो मौजूद होगी तो हम इस डब्ल्यू फंक्शन इस पर अप्लाई करेंगे, तो इस डब्ल्यू फंक्शन के मुताबिक यह आ जाएगा एल एन 3 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा फंक्शन के मुताबिक 81 एल एन 3। फिर एल एन 3 दोनों साइड पर मौजूद है ना, इधर भी है इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा 85 माइनस एक्स इज इक्वल टू 81। फिर क्या करेंगे, इसको इस साइड पर लाएंगे और इनको इस साइड पर, तो यह आ जाएगा 85 माइनस 81 इज इक्वल टू एक्स, तो यह आ जाएगा, इनसे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स, यह हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करी, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 4।